अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आज से एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो अब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये हेड यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर दो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ये कंडक्ट करवा रही होती है, जिसमें फेडरल मेडिकल कॉलेज आता है जो कि हमारे पास इस्लामाबाद में है, और दूसरा हमारे पास आता है शेख खलीफा बिन जैद अल नहान मेडिकल कॉलेज जो कि लाहौर में है। अब MBBS के लिए ये दो कॉलेज हैं, और बाकी डेंटिस्ट के लिए हमारे पास स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद। तो इन तीन कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। अब इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि 50% MDCAT की परसेंटेज है, 40% FSC की और 10% मैट्रिक की। लास्ट ईयर की 50-50 था, यानी कि 50% MDCAT था और 50% FSC था। अब एडमिशन प्रोसीजर क्या है कि इसकी वेबसाइट पे इसका फॉर्म हमने फिल करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो हमने उस एप्लीकेशन में सबमिट करने हैं, और यानी कि ऑनलाइन ही है सब कुछ। और फिर हमने जो फ़ी चलाना है वो डाउनलोड करना है, और जाके फ़ी जो है वो पे कर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं 2 दिसंबर से, और एंड कब हो रहे हैं 15 दिसंबर को, और फिर 19 और 20 को हमारे पास हाफ़िज़े कुरान का टेस्ट है, और फिर मेडिकल बोर्ड होगा 21 दिसंबर को, और फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट हमारे पास। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों कॉलेजेस में पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह की फ़िक्स सीट्स इस कॉलेज में है। टोटल 200 सीट्स हैं, 100 सीट्स जो हैं वो फेडरल मेडिकल कॉलेज की हैं, और बाकी जो 100 हैं वो हमारे पास जो लाहौर में कॉलेज है शेख खलीफा बिन जैद कॉलेज, उसके लिए 100 है। तो टोटल मिला के KPK की हमारी जो सीट्स बनती हैं वो 18 है, पंजाब की 76 हैं, सिंध को दो एरियाज़ में डिवाइड किया है, रूरल और अर्बन। तो रूरल की हमारे पास 18 है सिंध की, और अर्बन की 12 हैं, मेरिट बेस भी 12 हैं, और फिर इसी तरह बाकी जो रह जाती हैं, बाकी जो इलाके रह जाते हैं जैसे बलूचिस्तान है, फाटा है, और डिसेबल, इनकी भी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। फिर उसके बाद BDS आ जाता है, BDS की भी ये डिटेल लिखी हुई है। में KPK की 4 सीट्स हैं, पंजाब की 19 हैं, और सिंध रूलर की 4 हैं, अर्बन की 3 हैं, मेरिट बेस 3 हैं, बलूचिस्तान की भी 3 हैं, और इस तरह बाकी भी ये पूरी लिस्ट है। और हमारे पास जो फ़ीस है वो हमारे पास 3,000 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी जो है। फिर अब हम थोड़ा सा फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हो। एकेडमिक जो पूरा ईयर है उसकी 36,000 हमारे पास पूरी फ़ीस है, और हॉस्टल की फ़ीस हमारे पास 36,000 है गर्ल्स हॉस्टल की, और सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो 12,000 है, और जो बॉयज़ हॉस्टल है उसकी फ़ीस 9 to 12,000 है, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है। और फिर उसके बाद हमें अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हमें रिज़ल्ट कार्ड चाहिए, CNSC चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, और MDCAT का रिज़ल्ट कार्ड, और फिर पासपोर्ट साइज़ हमें पिक्चर्स चाहिए। और इसके अलावा एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या हम इसके लिए अलग से कोई टेस्ट देना पड़ता है। तो इसके लिए पहले देना पड़ता था, इसका अलग से टेस्ट होता था, लेकिन जो है अब हम MDCAT की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।